बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम वीक टू के अंदर लेक्चर फोर की बात कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग इंटरप्ट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इंटरप्ट को समझने से पहले, इसको यूज करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका ओवरव्यू देता हूँ कि इंटरप्ट होती क्या है, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो कि इंटरप्ट बेसिकली किस तरह से वर्क होगी, तब तब आपको ये सारी चीज समझ आएगी। ओके, सो हम एक स्टूडेंट डायग्राम ले लेते हैं। हम लोग ये मैं कहता हूँ कि ये रैम है, ठीक है। इस रैम के अंदर मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पे इस जगह पे एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्विकली लिखता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मेरा लोड हुआ हुआ है। और फिर मैं क्या कह देता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ हुआ है कि एक प्रोग्राम यहाँ पे लोड हुआ हुआ है, ठीक है। सो इन चीज़ों को हम बाद में और मजीद भी डिस्कस कर सकते हैं, बट जस्ट मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये एक और एक दूसरा प्रोसेस है, ठीक है। सो ये दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है। सो मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पी वन है, ठीक है। ओके, पी वन, ये पी वन हो गया। एंड देन यहाँ पे जो प्रोसेस है ये पी टू है, ठीक है। सो ये दो तरह के मेरे पास प्रोसेस आ गए, पी वन पी टू, ठीक है। ओके, सो मेरे पास जो प्रोसेसेस हैं वो एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। सो मैं इनकी बात कर रहा हूँ और इसके बारे में बात करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये वर्किंग कैसे होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखें मल्टी प्रोग्रामिंग है, एक से ज्यादा प्रोग्राम आप देखें रैम के अंदर लोड हुए हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और ये जो है ये कैलकुलेटर प्रोग्राम है। अब फर्ज करें, या कोई भी है, फर्ज करें मैंने कॉपिंग लगाई हुई है बैकग्राउंड में, ठीक है। सो ये दो तरह के प्रोग्राम है जो काम कर रहे हैं। ये जो है ये डेटा को, बहुत लार्ज डेटा को कॉपी कर रहा है और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मेरे पास सीपीयू तो एक है, फर्ज करें प्रोसेसर मेरे पास एक है, तो अब वो कैसे काम करेगा ये मैं बताना चाहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, वो इस तरह से काम करेगा कि मेरा जो प्रोसेसर है, फर्ज करें पहले इस पी वन की बारी आई, तो प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर जो है फौरी तौर पर यहाँ आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है, सॉरी ये इसको ऐसे। ओके, सो यहां से वो प्रोसेसर जो है आएगा यहां पर, कैसे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के रजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर ये वैल्यू डाल दी जाएगी। जब ये वैल्यू डालेगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा, लाइक आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स हैं, ये मुख्तलिफ आपके पास रजिस्टर्स हैं, उनके अंदर वैल्यू डाली, जब वो डालेंगे तो वो पॉइंट कर रहा होगा इसकी तरफ, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे वो आ गया। हम क्या करेंगे, हम उस रजिस्टर्स के अंदर वैल्यूज को अपडेट करते हैं, ठीक है। अब देखें, आपका जो डेटा है, आपका इसका जो प्रोसेस का डेटा है, वो यहाँ पे एक चीज होती है, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर एक याद रखिएगा, ये जो सॉरी यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक, सॉरी इस तरह भी नहीं करता, बल्कि ओके इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता हूँ दो हिस्सों में, ठीक है। ओके, से रैम का, और आगे भी ये रैम चल रही है, ठीक है। सो ये नहीं है कि ये रैम आगे नहीं चल रही है, आगे भी रैम है और ये चलती जा रही है और सॉन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाया, इसको बोलता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलता है पीसीबी, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसको बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वन, और दूसरे के लिए वो लिखेगा यहाँ पर पीसीबी टू, ठीक है, क्योंकि ये दो प्रोसेस है, प्रोसेस वन है, प्रोसेस वन का जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वन बोलेंगे और टू। ओके स्टूडेंट, जब प्रोसेसेस आपके लोड होते हैं तो उस वो किसी मेमोरी एरिया के अंदर लोड होते हैं। अब ये जो उसका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे इसके अंदर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर ये सारी वैल्यूज डली हुई है। प्रोसेस को ये पता है कि वो इसकी जो इनिशियल एड्रेस है ये उसका यहाँ पे रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है। सो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है, ये सीपीयू के रजिस्टर्स के अंदर लोड होता है तो सीपीयू फौरन यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देता है। ओके, समझ आ गई। सो इसका मतलब ये है कि ये जो एड्रेस की वैल्यू है ये किसी स्पेसिफिक रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई होगी जो कि इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, वो पॉइंटर होगा, मैं कह देता हूँ कि वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, चले यूं कह देता हूँ। ओके, सो
सो ये पहले इस प्रोसेस की बारी आई। अब मैं ये कहता हूं कि चलें ये प्रोसेस जो है इतना, ये प्रोसेस जब इतना एग्जीक्यूट हुआ यहां तक, ठीक है, तो क्या हुआ कि इसका टाइम एक्सपायर हो गया। अब क्या हुआ, अब मेरा जो प्रोसेस है फॉरेन ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, ये इसको इंटरप्ट कर दिया। जब इसका टाइम एक्सपायर होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसको इंटरप्ट कॉल होगी। और ये भी हो सकता है कि यहां तक जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसको किसी डिस्क में से फाइल लोड करने की जरूरत पेश आई, तो ये प्रोसेस क्या होगा, वेटिंग में चला जाएगा। अब ये वेटिंग में चला गया, फर्ज करें हम यूं कह लेते हैं कि ये इसको डिस्क से, अब जब तक फाइल से डिस्क में से फाइल लोड नहीं होती ये वेट करेगा, ठीक है। सो ये वेटिंग में चला गया। अब क्या होगा, याद रखिएगा ऑपरेटिंग, ये जो आपका सीपीयू है ये नैनो सेकंड्स में काम कर रहा है, आप सेकंड्स के अंदर चीजों को देख रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि आपको तो वो फौरन ही फाइल लोड हो जाती है, तो वो फाइल स्टूडेंट्स मिली सेकंड्स के अंदर लोड हो रही है और आप मिली सेकंड्स में काम नहीं करते। सो आपकी आई उसको कभी भी कैप्चर नहीं कर सकती कि फाइल जो ने थोड़ा सा टाइम लिया लोड होने में, ओके। सो ये चीज है। नाउ यहां तक जब फाइल लोड होना शुरू हुई तो आपका सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू इसका जो डेटा है, जितना भी डेटा था, ये इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर ये वाली वैल्यू नहीं होगी, आप कौन सी वैल्यू है, आप उसके अंदर वैल्यू ये वाली पड़ी हुई होगी, ठीक है, यहां पर वो पॉइंट कर रहा होगा। सो यहां पे कोई ना कोई एड्रेस होगा ना, ये वाला एड्रेस इंस्ट्रक्शन, सो वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या रजिस्टर्स के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई होंगी या जो कैलकुलेशन होंगी, वो उन सारी कैलकुलेशन को उठा के आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, इस प्रोसेस वन के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव कर देगा। पहले इसको सेव करेगा और इसको सेव करने के बाद, ठीक है, ये जो चीज है इस, ये इंटरप्ट कॉल हो रही है, ठीक है। अब ये सेव हो गया, ठीक है, इंटरप्ट कॉल हुई और इंटरप्ट ने डिस्क को कहा कि डेटा को लोड करो। अब सीपीयू जो है डिस्क का वेट नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, यहां से कंट्रोल को दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा, यानी कि इस दूसरे प्रोसेस, इसकी नेक्स्ट इसकी बारी थी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, अपना कंट्रोल यहां पे, सॉरी यहां पर शिफ्ट कर दिया, कंट्रोल यहां पे आपका शिफ्ट कर दिया, ओके। अब यानी उसने किया क्या है, उसने ये वाला एड्रेस उठा के इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर के अंदर डाल दिया। अब उसके बाद क्या होगा, यानी और वो ये वाला एड्रेस उसको कहां से मिला है, पीसीबी टू के अंदर से मिला है, यहां पे लिखा हुआ था। सो ये वाला सीपीयू क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करना है। सो सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा, फारग नहीं बैठेगा, काम करता रहेगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये वेटिंग में चला गया। अब फर्ज करें ये जो प्रोसेस था, मैं सपोज करता हूं कि ये प्रोसेस जो है ये यहां तक एग्जीक्यूट हो गया, सॉरी ये वाला मैं ले लेता हूं, ओके, यहां तक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। यहां तक जब एग्जीक्यूट हो गया तो इस आप उस सुर, अब ये जो P1 है इसका जो है फाइल इसकी लोड हो गई है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फौरी तौर पर यहां से इंटरप्ट कॉल करेगा और यहां से आपका, अब आपका पॉइंटर जो है वो यहां पर है, याद रखिएगा आपका पॉइंटर जो है वो यहां पर है, ठीक है, यानी प्रोसेस टू का। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, यहां से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर वन के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है, इसको लोड करेगा और आपका जो पॉइंटर है दोबारा से यहां पर आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, ठीक है। सो पॉइंटर आपका कहां पे आ गया, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पॉइंटर आ गया। और यहां से फिर क्या करेगा, अब वो फाइल आपकी लोड हो चुकी है, उसको यूज करते हुए ये एग्जीक्यूट होने लग पड़ेगा और ये अपनी एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इसके अंदर से यहां से शिफ्ट यहां करता है और यहां से, और ये जो चीज है इसको यहां से यहां पे शिफ्ट करना, इंटरप्ट कॉल होना, कि कोई इंटरप्ट कॉल होगी जब आपने डिस्क में से कोई डेटा उठाना है तो दैट वुड बी एन इंटरप्ट, यानी आप इंटरप्शन करेंगे। अब आपको इंटरप्शन क्यों होगी, कि आपका डिस्क में से जो डेटा लेके आएगा, जो प्रोग्राम लेके आएगा, वो यहां पर नहीं लिखा हुआ, वो कहां लिखा हुआ है, वो यहां पे कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सो वो यहां पे प्रोग्राम है जो डिस्क में से डेटा उठा के लाएगा, सो आपको यहां से जंप करके यहां आना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि इंटरप्ट कॉल ही है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर यहां से यहां पे चले गए तो ये आपकी आपका टाइम एक्सपायर हुआ तब भी इंटरप्ट कॉल ही, और आप दूसरे प्रोसेस की तरफ चले गए। सो ये भी यानी डिफरेंट तरह से इंटरप्ट हो सकते हैं। सो इंटरप्ट आपके प्रोग्राम के इंटरप्ट हो सकते हैं, हार्डवेयर के इंटरप्ट हो सकते हैं, एंड कई तरह से इंटरप्ट आपके होंगे, वो आगे चल के हम अभी देखते हैं। जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें कि इंटरप्ट होती क्या है।
सो स्टूडेंट्स, जब भी इंटरप्ट होता है तो जो कंटेक्स्ट होता है, ये आप पहले फर्ज करें, जब यहां पे काम कर रहे थे तो आप इस किस कंटेक्स्ट में थे? पी वन के कंटेक्स्ट में काम कर रहे थे। जब यहां से आपने कंट्रोल जो है यहां पे शिफ्ट हुआ या यहां पे शिफ्ट हुआ, तो आपने क्या किया है, कंटेक्स्ट को स्विच कर दिया। जब आपने कंटेक्स्ट को स्विच, यहां पर क्या हुआ, कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई है, ठीक है। सो कंटेक्स्ट इधर से इधर चला गया, ठीक है, यहां पे रैम के अंदर कंटेक्स्ट स्विच हो गया। और अब आप क्या कर रहे हैं, पहले आप पी वन को एग्जीक्यूट कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं, अब पी टू को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है। होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड हुई होगी, और अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं स्टूडेंट्स, तो यही चीज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जान है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारा जितना भी काम है वो इसी की बेस पे है सारा कुछ। इस अगर ये आप समझते हैं तो इसी के अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग के अंदर है, इसी के अंदर आपका जो है इंटरप्ट है, इसी के अंदर सिस्टम कॉल है। अगर आप आपका ये प्रोग्राम इस सिस्टम के प्रोग्राम को कॉल करता है तो ये सिस्टम कॉल है, ठीक है। सो ये इस तरह से है। सो ये सारी चीजें मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करें। अब हम इंटरप्ट्स को देखते हैं, ओके स्टूडेंट। इसको मैं क्लियर करता हूँ सारे डायग्राम को, इस डायग्राम की अब हमें जरूरत नहीं है, ओके। नाउ फाइन, अब हम बात करते हैं कि कॉमन फंक्शंस इंटरप्ट्स के क्या हैं। इंटरप्ट कॉमन फंक्शन क्या है, द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज यूजली सिग्नल्ड बाय एन इंटरप्ट फ्रॉम ईदर हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर। यही बात मैंने अभी आपको बोली है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट करेगा या हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर में डेटा, फर्ज करें डिस्क को आपने कहा था कि डेटा लोड करो, तो बफर के अंदर लोड करेगा तो वो इंटरप्ट करेगा, सीपीयू को इंटरप्ट भेजेगा कि डेटा मैंने बफर में लोड कर दिया है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, सीपीयू ने टाइमर लगाया होता है, सीपीयू जो है इंटरप्ट उसको इंटरप्शन रखी होती है, बट सीपीयू ने को टाइम पता होता है। सीपीयू जब बफर फिल होता है उसको मालूम है कि कितनी टाइम के अंदर बफर फिल होगा, वो फौरन वहां से डेटा उठा के ले जाता है और डिस्क जो है उसके अंदर डेटा लोड करती जाती है। सो ये रीडर राइटर का प्रॉब्लम है और ये सॉल्व हुआ है ऑलरेडी। नाउ सिस्टम कॉल और मॉनिटर कॉल इज एग्जीक्यूटेड टू ट्रिगर एन इंटरप्ट। तो ये अभी मैंने आपको आपको एग्जांपल देके बताई कि अगर आप सिस्टम के प्रोग्राम को कॉल करेंगे तो दैट इज विल बी कॉल्ड एज सिस्टम कॉल। सो और आपको यूजर मोड से मॉनिटर मोड में जाना पड़ेगा। देखें, जब मैं यूजर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह कोई प्रोग्राम है, तो वहां से अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को कॉल करूंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम जो है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिस्टम के प्रोग्राम को कॉल कर रहा हूं। सो दिस इज अ सिस्टम कॉल। तो और मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूजर मोड से मॉनिटर मोड में जा रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर मोड के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, या कर्नल मोड में काम कर रहा है, ओके। इंटरप्ट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक प्रोग्राम का नाम है। रूटीन का मतलब स्टूडेंट्स लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, जो कि असेंबली के अंदर लिखी होगी। असेंबली के अंदर जो लाइन ऑफ कोड होती है उसको हम रूटीन बोलते हैं। थ्रू द इंटरप्ट वेक्टर, इंटरप्ट वेक्टर हार्डवेयर भी हो सकता है या कुछ भी, उसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। विच कॉन्टेन्स द एड्रेस ऑफ ऑल सर्विस रूटीन, जो चीजें जिन जिन के पास इंटरप्ट है उन सब का एड्रेस उसके पास मौजूद है। जिस एड्रेस से इंटरप्ट आएगा इसका मतलब वो इंटरप्ट कर रहा है। मसलन कीबोर्ड का एड्रेस आया तो इसका मतलब कीबोर्ड इंटरप्ट कर रहा है। अगर माउस का इंटरप्ट आया इसका माउस इंटरप्ट कर रहा है, एंड सो ऑन। सो इस तरह से इंटरप्ट के अंदर एड्रेसेस आए होते हैं, तो इसको हम देखते हैं। अट्रैप्ट इनकमिंग इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड व्हाइल अनदर इंटरप्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड। अगर एक इंटरप्ट, अगर फर्ज करें ऑपरेटिंग सिस्टम माउस को हैंडल कर रहा है तो वो किसी और इंटरप्ट को हैंडल नहीं करेगा। सो दो चीजें एक वक्त में नहीं हैंडल करेंगे, और ये बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि हम सेकेंड्स के अंदर काम करते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना, हम सेकेंड्स के अंदर काम करते हैं। और जो आपका सीपीयू है वो नैनो सेकेंड्स में काम करता है, सो वो कई काम कर चुका होता है। सो हमारे कई प्रोग्राम, हम यहाँ से जब एक काम करते हैं तो वो सेकेंड्स में हो रहा होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को मिली अपना नैनो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स के अंदर हैंडल कर चुका होता है, ओके। सो हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यूअसली काम कर रहा है और हमारा ही काम कर रहा है। हो सकता है वो कोई और काम भी कर रहा हो, या जैसे कि बैकग्राउंड में कॉपिंग कर रहा है एक फाइल को, और दूसरा वो क्या कर रहा है कि साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कभी फील नहीं होता कि कॉपिंग की वजह से मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम स्लो हो, अनलेस कि मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो, ओके। सो आगे चलते हैं। अब ट्रैप क्या है? अ ट्रैप इज अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट। ट्रैप एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट है जो कि कॉज्ड ईदर बाय एन एरर
और यूजर रिक्वेस्ट। अगर कोई एरर आए तब भी ट्रैप जनरेट होता है, ठीक है, और यूजर रिक्वेस्ट आए तब भी ट्रैप के जरिए से उसको ट्रैप, किसी प्रोग्राम को ट्रैप किया जाता है और कंटेक्स्ट को स्विच किया जाता है। सो इस तरह से ये काम होता है। ओके, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल के जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरप्ट ड्रिवन होते हैं। हम ये देखेंगे कि इंटरप्ट ड्रिवन अगर ना हो या हो तो तब क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो इसको हम स्टडी करेंगे। इंटरप्ट हैंडलिंग किस तरह होती है, ठीक है। सो मैं ये बात करता हूँ, यहाँ पे डायग्राम की बात करते हैं, हमारे पास ये डायग्राम है। सो स्टूडेंट्स, इंटरप्ट दो तरीके से हैंडल होती है, एक मेथड है पोलिंग, ठीक है, और एक चीज है वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम। तो इन दोनों सिस्टम्स को हम स्टडी करते हैं कि कैसे होती है, ठीक है। ओके, एक स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम क्या है, ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। हमारे मदरबोर्ड के ऊपर इंटरप्ट कंट्रोलर लगा होता है जो कि वेक्टर्ड सिस्टम रखता है, और इसने क्या किया था, जब आपका बायोस जो होती है इसके अंदर इंटरप्ट्स हैं, फर्ज करें, मैं कह देता हूं कि इसके अंदर फर्ज करें सपोज 16 इंटरप्ट्स हैं, तो ये क्या करता है, यानी 0 से लेकर 15 तक, ठीक है, जो कि आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, वो उसके हिसाब से ये इंटरप्ट को हैंडल कर रहा होता है। अब ये क्या करता है, एक इंटरप्ट क्या कर देता है, कीबोर्ड को दे देता है, एक माउस को दे देता है, एक एंड सो ऑन सबको दे देता है, ठीक है। अब जो इंटरप्ट करता है उसका काम वो करने लग पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो हर एक के पास बेसिकली क्या है, इस इन सब डिवाइसेस के पास एक रिंगर है, जो रिंगर को बजाएगा, लेकिन जो बजर को बजा देगा उसको बारी मिल जाएगी, ठीक है, जो पहले दबा देगा बजर को उसकी बारी, ये रिंगर है। और वो जो इंटरप्ट है वो बेसिकली क्या है, वो रिंगर है, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स, जैसे आप समझते हैं, जैसे गेम शो होता है, गेम शो के अंदर जो बजर पहले दबा देता है वो जवाब देता है, एग्जैक्टली यहां पर भी जो डिवाइस बजर पहले दबाएगी उसको पहले सर्विस करेगा कौन, वेक्टर उसको दे दिया जाएगा और वो काम करेगा, ठीक है। ओके, दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज स्टूडेंट्स पोलिंग है। पोलिंग क्या चीज है, पोलिंग स्टूडेंट एक प्रोटोकॉल है, पोलिंग एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। और प्रोटोकॉल देखिए, ये सिस्टम आपका हार्डवेयर के हिसाब से बताया हुआ है कि एक सिस्टम है जो कि इन सबको मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इंटरप्ट्स को हैंडल कर रहा है। अब ये पोलिंग क्या चीज है, देखें इस पोलिंग ऐसी है, देखें अब ये कि यहाँ पे ये सिस्टम बना, यहाँ पे ये सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। सो सिस्टम के साथ अब देखें ये सारा ऊपर है, मैनेज हुआ हुआ है। पोलिंग क्या है स्टूडेंट, पोलिंग इज अ प्रोटोकॉल, ठीक है। सो पोलिंग की डेफिनेशन क्या है, पोलिंग एक प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, जो इंटरप्ट्स प्रोवाइड करता है, उसी तरह इंटरप्ट को सिमुलेट करता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोटोकॉल होते हैं, हमारे पास जो लाइक जो हमारे पास क्या कह सकते हैं, जो इंटरप्ट्स हैं वो 16 तक नहीं होती, बहुत ज्यादा होती हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन भी दे देता हूं, मैं देता हूं कि सो होपफुली ये मेरा, देखिए मैं विंडोज के अंदर, ये एक मेरे पास विंडो है जो जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सो ओके, नाउ स्टूडेंट्स इसके अंदर मैं जाता हूँ डिवाइस मैनेजर, ये मे भी आपने इसको यूज किया हो, ठीक है। सो मैं इसके अंदर सारी डिवाइसेस मेरी शो हो रही है, ये देख रही है आपको, ठीक है। नाउ अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं इस ये वाले व्यू में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इसको राइट माउस क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ व्यू, मैं कहता हूँ रिसोर्सेज बाय टाइप। तो स्टूडेंट्स ये वो हार्डवेयर चीजें मुझे दिखाने लग पड़ा है, देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, सो दिस इज नॉट अ थियोरेटिकल थिंग, सो आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल चीज है। इसको मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ये आपके अभी थोड़ी देर बाद मैं आपके थ्योरी के अंदर दिखाऊंगा कि ये जो इंटरप्ट्स हैं इसके अंदर जो पहली इंटरप्ट आती है वो मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम टाइमर की होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है, अभी टाइमर इंटरप्ट को हम देखेंगे। आप देख रहे हैं कि ये इंटरप्ट उसने असाइन किया टाइमर को, ये इंटरप्ट इसने स्टैंडर्ड कीबोर्ड को असाइन की हुई है, एंड सो ऑन। डेल के टच पैड को ये दी हुई है, मेरे पास डेल की मशीन है उसका टच पैड को ये इसने दिया, एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि ये 70, 80, 90, 100, आप देख रहे हैं कितनी ये इंटरप्ट्स हैं, बहुत ज्यादा है। सो आप देख रहे हैं कि ये 500 से भी ज्यादा इंटरप्ट्स हैं। ओके, सो इसका मतलब ये है कि वो जो हार्डवेयर था जिसके अंदर 16 इंटरप्ट्स थी, दैट वुड नॉट बी अ गुड इनफ। सो उसके लिए हमें ज्यादा इंटरप्ट्स की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, हम एक पोलिंग का प्रोटोकॉल बनाते हैं जो उन हार्डवेयर इंटरप्ट को भी हैंडल कर लेता है और सॉफ्टवेयर की इंटरप्ट्स को भी हैंडल कर रहा है, क्योंकि हमारा हर प्रोसेस जो है वो भी इंटरप्ट कर सकता है, हार्डवेयर भी इंटरप्ट कर सकता है, हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं।
हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें बहुत ज्यादा इंटरप्ट्स के लिए रिंगर चाहिए, इतने रिंगर हम पोलिंग के प्रोटोकॉल के जरिए करते हैं। और पोलिंग का प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, अगेन अब मैं इसको वापस अपने उसके ऊपर आ जाता हूँ, लेसन के ऊपर। ओके, सो स्टूडेंट पोलिंग का प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, वो पोलिंग करता है, जो वोट पोल करेगा उसकी बारी आ जाएगी, ठीक है। सो जिस जो जो पोलिंग के सिस्टम के अंदर अपनी रिंगर को ऑन कर देगा उसकी बारी आ जाएगी और वो अपना काम एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। सो यानी इसका मतलब यह है कि जो इंटरप्ट कॉल करेगा फौरी तौर पर सीपीयू जो है उसको सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देगा एंड सो ऑन। जब उसकी इंटरप्ट खत्म होगी तो सेकंड नंबर पे जो इसकी इंटरप्ट होगी उसको करेंगे। और पोलिंग क्या है कि वोटिंग उसकी बढ़ती जाएगी, जो भी टाइम गुजरता जाएगा प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो पोलिंग उसी तरह जैसे आपके जितने ज्यादा वोट होंगे उसकी बारी पहले आएगी, ठीक है। सो पोलिंग एग्जैक्टली पोलिंग के अंदर क्या होता है, आप वोटिंग करते हैं। सो हर डिवाइस जो है वोट कर रही है और उसका वोट जो है बढ़ता जा रहा है विद टाइम, ठीक है। सो जो जो डिवाइसेस आती जाती हैं वोट बढ़ता जाता है। सो ये इसकी एक वर्किंग है, खास तरीके से ये काम करता है। सो वोटिंग की बुनियाद पे पोलिंग काम करता है, ये अक्सर क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ जाता है। सो इसको आपको इसका समझ होनी चाहिए, ओके। सो यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलिंग एंड वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम, ठीक है। सो आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बता सकते हैं, ओके। सो हमने इंटरप्ट्स के बारे में सफिशिएंट चीजें आप पढ़ ली। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन हो कि फ्लो कंट्रोल हम कर रहे हैं, हम प्रोसेसेस को प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इंटरप्ट्स नहीं है, तब क्या होगा, ओके। अब देखिए अब वर्क कैसे होगा, मैं एग्जैक्टली उसी तरह आपको एरो की लगा के बताता हूँ और मैं साथ साथ टाइम बताता हूँ चले, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि ये इंटरप्ट किस तरह काम होती है। और इसको स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करते हैं, ओके, देन स्टॉप करते हैं।